हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। 12 सितंबर का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था वो मॉडरेट लेवल पे आ रहा है पेपर, और कुछ क्वेश्चन में जो मुझे मिले हैं दोस्तों से मैंने वो मैं आपके साथ में डिस्कस करना चाहता हूँ कि जैसे कुछ हॉर्नबिल संबंधित, आर्टिकल से संबंधित, एक जो क्वेश्चन धारा से संबंधित, प्रतिरोध और समय संबंधित, और प्रतिरोध समय से भी आया है क्वेश्चन। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं। पहला आया कि राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर किस अनुच्छेद में बताया गया है। ये क्वेश्चन आपको पहले भी मिल चुका है, लेकिन इसको घुमा फिरा के पूछा, आर्टिकल 51 में है। ओके, और कौन से भाग, टोटल अपने जो मौलिक कर्तव्य हैं, मौलिक ड्यूटीज़ हैं, मौलिक ड्यूटीज़ से एक ना एक सवाल आ रहा है, हर एक शिफ्ट में रिपीट हो रहा है, तो आप आर्टिकल्स के बारे में पढ़ के जाएँ। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, 73वीं संविधान संशोधन के तहत भारत में कितने स्त्रीय पंचायत राज का गठन हुआ है, तो त्रिस्तरीय। त्रिस्तरीय कौन कौन से हैं दोस्तों? पहला अपना सबसे पहले क्या होगी, ग्राम पंचायत होगी, फिर इसके बाद में पंचायत का लेवल को ग्राम पंचायत होगी, दूसरा तहसील लेवल पे, और तीसरा जिले लेवल पर। तो तीन त्रिस्तरीय अपना संविधान संशोधन के तहत ये त्रिस्तरीय डेक ढांचा बनाया गया है पंचायती राज का। ओके, तीसरा क्वेश्चन, बीजाड़ में किसका निर्माण होता है? बीजाड़ होता है का जो होता है उसका अंडे का निर्माण होता है, यानी बीज का निर्माण, जिसे बीजाड़ बोलते हैं, अंडा यानी बीज बनता है जहाँ पे। अगला क्वेश्चन था, लघु उद्योग समिति की सिफारिश की थी, तो कार्बे समिति ने ये सिफारिश की थी, लघु उद्योग समिति। ओके, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, HCl प्लस CuSO4 अगर अपन इसके साथ में क्रिया करवाएं, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कॉपर सल्फेट का, तो क्या बनेगा? सिंपल सी बात है, कॉपर सल्फेट और इसकी करवाएंगे तो क्या बनेगा, ध्यान रखना, एक तो बनेगा मेरे पास H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, प्लस दूसरा बनेगा CuSCl2। ओके, कॉपर क्लोराइड, ये दो चीज़ बहुत ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और हमेशा ये ध्यान रखो, रिएक्शन से संबंधित एक क्वेश्चन आपके हर एक शिफ्ट में आ रहा है। ओके, अगला क्वेश्चन था, ये मुझे मिल नहीं पाया, अपचेन एंड ऑक्सीडाइजेशन यानी रिडक्शन और ऑक्सीडाइजेशन से सवाल था, और ऐसा सवाल पूछा था कि किसका रिडक्शन हो रहा है। ओके, अगला क्वेश्चन मैं इसके साथ के साथ में बहुत डीप स्टडी ये इसको डिस्कस करना चाहूँगा कि एक रेजिस्टेंस है 2 ओम का, उसकी लंबाई में 9 चेंज है, और उसका एरिया अगर 4 गुणा कर दिया जाए तो नया रेजिस्टेंस क्या रहेगा? ओके, तो R1 बराबर ρL/A, तो देखो रो वही है, एल वही है, सिर्फ क्या चेंजेस है, एरिया, तो इसमें सिर्फ अपने को क्या लिखना है, 4A, तो ये तो पहले से ही दे रखा है, कितना है ये 2 ओम, तो 2/4, तो कितना बटा आया अपने पास, 1/2 ओम, यानी रेजिस्टेंस कितना हो गया, पहले कितना था 2 ओम, अब कितना हो गया, सिर्फ 0.5। ओके, अगला सवाल दिया था, यदि धारा यानी करंट, प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस और ऊष्मा मतलब हीट व समय दिया हो तो सही होगा, तो जूल का ऊष्मा का नियम क्या कहता है, H=I²RT। ओके, तो इसमें जो भी अपने धारा दे रखी वो धारा रख लो, प्रतिरोध दे तो प्रतिरोध रख लो, और समय तो समय रख लो, और ऊष्मा अपन निकाल सकते हैं। ओके, अगला सवाल, जैन धर्म के वास्तविक स्वरूप किसने दिया, तो जैन धर्म का वास्तविक स्वरूप महावीर स्वामी ने दिया था। ओके, अगला सवाल, फरवरी 2022 में कौन सी ऐसी पहली बीमारी है जिसका डाटा प्रकाशित किया गया, इस सवाल का जवाब नहीं मिल पाया है, COVID-19 तो हो नहीं सकती। ओके, COVID-19 तो किसी भी हालत में नहीं हो सकती, COVID-19 के डाटा तो हर एक डेट अपडेट होते रहते हैं, कैंसर के हो सकता है, कैंसर के अपडेट कर दिए हो, इस सवाल का जवाब अगर आपको मिला हो दोस्तों तो ज़रूर इसका आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि इसका वास्तव में आंसर क्या है। अगला सवाल है कि हॉर्नबिल उत्सव कहाँ मनाया जाता है, ये कॉमन सवाल है नागालैंड में। ओके, अगला सवाल, बाल श्रम निषेध किस अनुच्छेद में है, बाल श्रम अनुच्छेद, देखो बाल श्रम निषेध किस अनुच्छेद आर्टिकल में आता है, तो आर्टिकल 23 में है। ओके, अगला सवाल, जब प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो इसका आपतन कोण और अपवर्तन कोण कितना होगा, ये बहुत ही अच्छा सवाल दिया, ये आपको मान लो ये प्रिज्म है, यहाँ से कोई इंसिडेंट आई अपनी रे आई प्रकाश यहाँ पे आएगी तो इसको बोलेंगे क्या बोलेंगे, ये जो कोण बनेगा इसको क्या बोलेंगे, आपतन कोण, इसके बाद में ये क्या होगी, इसमें अंदर गुजरेगी और ये अंदर जाके फिर ये यहाँ कितने रंगों में बढ़ जाएगी, 7 रंगों में बढ़ जाएगी। ओके, और ये जो होगा डिफ्लेक्शन विचलित कोण, और यहाँ से अपन ऐसा निकालेंगे तो ये कहलाएगा अपना परावर्तित कोण। ओके, तो ये जो एंगल होता है वो हमेशा डिपेंड करता है अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, अपवर्तनांक पे, तो अपवर्तनांक दिया हुआ होगा और आपको आपतन कोण दिया होगा, स्नेल का स्नेल रूल क्या कहता है, μ = sin I / sin R। ओके, इसके से निकालेंगे अपन प्रिज्म का जो अपना अपवर्तनांक है, तो ये वाला काफ़ी अच्छा सवाल दिया है, इस सवाल को आप जरूर प्रिज्म को पढ़ के जाएँ, NCERT की बुक्स में वगैरह में है। ओके, अगला सवाल,
HIV एड्स कैसे फैलता है? अब देखो HIV एड्स कैसे फैलता है, HIV एड्स कैसे, हाथ मिलाने से फैलता है, गले मिलने से फैलता है? नहीं, जो इफेक्टेड कैंडिडेट्स हुआ उसके साथ अगर अपन शारीरिक संबंध बनाते हैं तो HIV एड्स फैलता है। ओके, अगला एक सवाल था कि चुंबकीय क्षेत्र में लाइन के बारे में, चुंबकीय रेखाएं के बारे में था, तो चुंबकीय रेखाओं के बारे में क्या क्या है कि भाई एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं, ओके, और हमेशा नॉर्थ से निकलकर साउथ में एंड होती हैं, नहीं वापस घूम के इधर आती हैं, ओके। इसी तरह तो लाइन एक दूसरे को काटती हैं, ये गलत था। अगला सवाल, मेंडलिप की आवर्त सारणी कब प्रकाशित हुई? मेंडलिप की आवर्त सारणी, तो पहली बात तो किसके आधार पर डिवाइड था, ये भी सवाल रिपीट है, तो इसने आवर्त सारणी किसके आधार पर डिवाइड किया था, परमाणु भार के, एटॉमिक मास के आधार पर डिवाइड किया था, और ये इसका प्रकाशित हुआ था 1869 में, ओके। किस दर्पण पर फोकस दूरी हमेशा नेगेटिव होती है, किस दर्पण में यानी मिरर में फोकस दूरी हमेशा नेगेटिव होती है, तो अवतल दर्पण पर। उड़ीसा में हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है, तो महानदी पर बना है। तो को दोस्तों ये मुझे कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल पाए जो मैं आपके साथ डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।